हेलो माइनर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंड माइनर में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आउटक्रॉप के बारे में, एंटी क्लाइन के बारे में, सिंक्लाइन के बारे में, वॉश आउट के बारे में, फॉल्ट के बारे में और टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में। सो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आउटक्रॉप के बारे में। व्हाट इज आउटक्रॉप? द आउटक्रॉप ऑफ एनी रॉक इज दैट पार्ट ऑफ इट विच इज एक्सपोज्ड एट द सर्फेस। एन आउटक्रॉप इज विजिबल एक्सपोजर ऑफ बेड रॉक डिपोजिट ऑन द अर्थ सर्फेस। कहता है आउटक्रॉप मीन्स किसी रॉक या मिनरल का ऐसा डिपोजिशन जो कि अर्थ सर्फेस से देखा जा सके, वह दिखाई देता हो, उसके ऊपर मिट्टी ना हो, वह एक्सपोज हो गया हो, वो आउटक्रॉप कहलाता है। बहुत सारे ऐसे भी आउटक्रॉप देखे जा चुके हैं कि जो कि मिट्टी के कारण दबे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मिट्टी हटते ही हम उन्हें साफ साफ देख सकते हैं, वो सारे आउटक्रॉप कहलाते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, आउटक्रॉप इस दोनों डायग्राम में आउटक्रॉप आराम से देखा जा सकता है, जो मिनरल का डिपोजिशन या रॉक का डिपोजिशन है जो अर्थ सर्फेस के ऊपर उभर के ऊपर आ गया है, वो आउटक्रॉप कहला रहा है। इसको हम आराम से देख सकते हैं, इसका विड्थ देख सकते हैं, ये आउटक्रॉप कहलाते हैं। फिर हम आते हैं एंटीक्लाइन। सो व्हाट इज एंटीक्लाइन? एन एरिया ऑफ ग्राउंड वेयर लेयर्स ऑफ रॉक इन द अर्थ सर्फेस हैव बीन फोल्डेड इनटू एन आर्क। कहता है ग्राउंड सर्फेस का वो एरिया जहां चट्टानों की परतें जो कि अर्थ में पाई जाती हैं वो फोल्ड फॉर्म में हो जाती हैं, आर्क फॉर्म में, वो एंटीक्लाइन कहलाती हैं। इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी में पाए जाने वाले चट्टाने, अर्थ के अंदर जो पाए जाने वाली चट्टाने हैं, वो ड्यू टू प्रेशर और फोर्स के कारण अपना शेप परिवर्तित कर लेती हैं, बदल लेती हैं, फोल्ड फॉर्म में कुछ हो जाती हैं, कुछ अंडुलेटिंग फॉर्म में हो जाती हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जिनका शेप कुछ आर्क जैसा हो जाता है, वो एंटीक्लाइन रॉक कहलाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में एकदम बखूबी समझ में आ रहा है कि एंटीक्लाइन क्या है, सिंक्लाइन क्या है। जो रॉक है ड्यू टू प्रेशर या फोर्स के कारण अपना शेप चेंज कर लिया है, जो ऊपरी उभरा हुआ पार्ट है वो एंटीक्लाइन कहलाया, और जो निचला पार्ट है मिडिल लेयर वो सिंक्लाइन कहलाया। सो एंटीक्लाइन समझ में आ गया। अब हम सिंक्लाइन के बारे में समझ लेते हैं। सिंक्लाइन एन एरिया ऑफ ग्राउंड वेयर लेयर्स ऑफ रॉक इन द अर्थ सर्फेस हैव बीन फोल्डेड इनटू अ कर्व दैट इज लोअर इन द मिडल दैट देन एट द एंड्स। कहता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले वो चट्टान जो कि प्रेशर और फोर्स के कारण अपना स्वरूप बदल लेते हैं, चट्टानों की परतें मुड़कर बीच में से नीचे हो जाती हैं और कर्व फॉर्म में वह सिंक्लाइन कहलाती हैं, कर्व फॉर्म में हो जाती हैं, वो सिंक्लाइन कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो ऊपरी उभरा हुआ पार्ट है किसी राग का, जो फोल्ड हो गया उभरा हुआ पार्ट है, वो एंटीक्लाइन हुआ, और जो निचला पार्ट है, नीचे का पार्ट है, वो सिंक्लाइन कहलाएगा। इसमें से आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर आता है वॉश आउट के बारे में। व्हाट इज वॉश आउट? वॉश आउट इज द इरोजन ऑफ ए सॉफ्ट रॉक सरफेस सॉइल और सॉफ्ट रॉक बाय एन वाटर, इट इज कॉल्ड वॉश आउट। कहता है वॉश आउट क्या है? वॉश आउट का मतलब है पानी के बहाव के कारण सॉफ्ट रॉक का क्षरण होना, ड्यू टू वाटर, पानी के बहाव के कारण धीरे धीरे गड्ढा बन जाना किसी सरफेस पे या रॉक पे, वो वॉश आउट कहलाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से इसमें शो हो रहा है कि पानी के जाने के कारण जो रॉक नीचे था, रॉक धीरे धीरे कट गया, वहां पे गड्ढे फॉर्म हो गए, वही वॉश आउट कहलाता है। अक्सर हम नदियों में देखे हैं कि जहां पे पानी बहता रहता है पूरे फोर्स के साथ, वहां का जो पत्थर होता है नीचे का, वो धीरे 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 कट जाता है और एक गड्ढा का फॉर्मेशन हो जाता है, वो वॉश आउट कहलाता है। वॉश आउट यानी धुल के वहां से निकल गया, वहां से निकल के बाहर चला जाना, वो वॉश आउट हो गया, वॉश आउट रॉक वो कहलाते हैं। जानते हैं फॉल्ट के बारे में। फॉल्ट क्या होते हैं? अ फॉल्ट इज ए फ्रैक्चर और जोन ऑफ फ्रैक्चर, टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक, लेटरल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर बेड। कहता है फॉल्ट एक रॉक बेड प्लेन का टूटा हुआ भाग है, यहाँ पर बेड फ्रैक्चर हुआ है, उस जोन को हम फॉल्ट कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो एक प्लेन है, एक बेड है, बेड का अगर टूटा हुआ भाग डिस्प्लेस हो जाता है, टूट जाता है, जिस एरिया में टूटता है, जिस जगह पर टूटता है, वो फॉल्ट कहलाता है। हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई रॉक का डिपोजिशन है प्लेन में, अर्थ मूवमेंट के कारण या प्रेशर या फोर्स के कारण रॉक बेड टूटकर प्लेन से ऊपर या नीचे चली जाती है, उसे हम रॉक फॉल्ट कहते हैं। रॉक फॉल्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट थ्रो कहलाता है। रॉक फॉल्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डाउन फॉल्ट, डाउन थ्रो, और दूसरा होता है अप थ्रो। डाउन थ्रो को हम ऐसा समझ सकते हैं, डाउन थ्रो मीन्स आप जिस रॉक बेड में खड़े हैं या चल रहे हैं, वहां से यदि बेड प्लेन टूटकर नीचे चला जाता है तो वो डाउन थ्रो कहलाता है, और यदि वही प्लेन ऊपर चला जाता है
आपके समक्ष वो ऊपर चला जाता है, वो अप थ्रो कहलाता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप वहां खड़े हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं, डाउन थ्रो की तरफ से देखते हैं या अप थ्रो की तरफ से देखते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।